अजमेर के कृष्णगंज थाने में पति ने पत्नी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराते हुए पड़ोसी पर इसका आरोप लगाया है। पत्नी द्वारा 50,000 की नकदी व चांदी के जेवर ले जाने के बाद भी सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना प्रभारी रवीश सामरिया ने बताया कि थाना क्षेत्र के रहने वाले एक परिवादी ने शिकायत दी है कि वह 27 सितंबर को घर से मजदूरी पर गया था। उसके बाद से ही उसकी पत्नी लापता है। उसे कई जगह तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली। उन्हें शक है कि पड़ोस में रहने वाला युवक उसे भगा कर ले गया है और उसके साथ 50,000 की नकदी और चांदी के जेवर भी नहीं मिल पा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस जांच में जुटी है। देखिए, परिवादी हैं थाना इलाके की, जो जिन्होंने थाना कृष्णगंज पर उपस्थित होकर के हमें एक रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने बताया है कि मेरी पत्नी है जो 27 तारीख से मुझे मैं घर पर छोड़ के गया था और शाम को वापस मजदूरी से वापस लौटा तो मेरी पत्नी मुझे घर पर नहीं मिली। मैंने आसपास रिश्तेदारों से सब जगह तलाश किया, फिर भी नहीं मिली। मुझे शक है कि कोई पड़ोस का ही लड़का है जो पहले से उसके पियर में रहता था, वो उसे भगा करके ले गया है। और इसको लेकर के उन्होंने थाना कृष्णगंज पे हमें एक रिपोर्ट दी है, जिस पर हमने एक प्रकरण पंजीबद्ध किया और उसका अनुसंधान जारी है। सर, कुछ सामान भी लेके? हाँ, उसने बताया है कि लगभग 50,000 रुपये कुछ चांदी के जेवरात हैं, वो उसकी पत्नी लेकर के गई है और उसका मुकदमा दर्ज किया है।